हेलो एस्पिरेंट्स एंड फ्रेंड्स, टुडे आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पस ये है आपको बताना कि 26 नवंबर क्यों खास दिन है। तो बेसिकली 26 नवंबर हम लोग के इंडिया कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर जैसे 2022 है आज, तो ये हमारे दिन तक देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो द डेट एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज, द एग्जैक्ट डेट इज 26 नवंबर 1949, व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, ठीक है। क्या हुआ था उस दिन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं वो अडॉप्ट हुआ था। तो उसमें जब अडॉप्ट हुआ था तो उसमें क्या क्या थी, उसके अंदर प्रियम्बल था जो हमारा फ्रंट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रियम्बल, फिर 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, इतना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन था। फिर ये डेट जो है, दिस इज द डेट मैंशन, यही वो तारीख है 26 नवंबर 1949 जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया एज अ डेट ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया, मानी कि हम सब लोग जो भारत के निवासी हैं, पीपल ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम लोग ने वहाँ पे अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया और खुद को दिया क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने खुद को दिया। ये हुआ था 26 नवंबर को। कोई भी आपसे पूछे आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को क्या हुआ था, ये हुआ था। इट्स नॉट लाइक 2 अक्टूबर, दृश्यम नहीं चल रहा यहाँ पे, 26 नवंबर, ठीक है। अब बहुत सारे क्यूरियस बच्चे होते हैं, इनको जानना होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैंने क्रोनोलॉजी बना दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट कैसे हुआ था, भारत के संविधान का इनैक्टमेंट कैसे हुआ था। जितने एक जनरल प्रोसेस होता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी.आर. अंबेडकर जी, तो ड्राफ्टिंग के बाद पब्लिक कमेंट लेने के बाद जितने भी चेंजेस किए, उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का पहला एक तरह का पार्लियामेंट, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर थी भारत के लिए लॉ बनाने के लिए। उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, 299 मेंबर्स थे, जो अलग अलग जगह से भारत के लोगों ने जिन्हें चुना था उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर सेल्फ, हम लोग खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए इन लोगों चुने थे, ताकि हमें जब इंडिपेंडेंट हो गए तो हम खुद का संविधान बना सके जो हमें, हमारी देश को आने वाले समय पारदर्शिता दे, लोगों के एस्पिरेशन और विजन को समा के रखे। उस चीज़ को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, जो ब्रिटिश के शासन खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका एक जिम्मेदारी ये भी था कि भारत का संविधान बनाए। तो उस असेंबली में ये जब फर्स्ट रीडिंग के लिए पास लाया गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो जनरल डिस्कशन हुआ उस पर 5 दिनों के लिए, ठीक है। ये कब तक चला, 9 नवंबर 1948 तक। फिर सेकेंड रीडिंग कब हुआ, सेकेंड रीडिंग जो हुआ, जैसे फर्स्ट रीडिंग तो जनरल रीडिंग हो गया, जनरल डिस्कशन हो गया, फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ उस बिल, उस कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ऑलमोस्ट 1 साल तक ये मैटर चला। इस दौरान 7653 अमेंडमेंट लोगों ने प्रपोज किए, जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फाइनल ड्राफ्ट था उसमें 2473 अमेंडमेंट्स जो है डिस्कस हुए, डिस्कस हुए माना उन पर चर्चा हुई, अप्रॉक्सीमेटली 32% अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई। तो इतना समय लगना लाजमी था, हर एक क्लॉज को अच्छे बारीकी से समझा गया, ताकि हमारा संविधान एक कॉम्प्रिहेंसिव संविधान बने, ना कि एक धार्मिक किताब बने, जैसे नेहरू जी ने असेंबलियों को कहा था। फिर तीसरा रीडिंग कब हुआ, तीसरा रीडिंग स्टार्ट हुआ 14 नवंबर 1949 में, जब अंबेडकर जी ने एक मोशन पास किया। कोई भी बिल या लॉ आज भी कंट्री में पास होता है तो इसी प्रोसेस से पास होता है, पहले फर्स्ट रीडिंग, फिर डिटेल रीडिंग, फिर फाइनल रीडिंग, जिसमें मोशन पास किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली हैज बीन पास्ड। ये मोशन पास किया गया, कोई भी चीज़ लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में मोशन के थ्रू पास होता है, ठीक है ना। तो मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पास डिक्लेयर कर दिया गया 26 नवंबर 1949। इसीलिए ये तारीख इंपॉर्टेंट है, इसी दिन संविधान को सिग्नेचर्स मिल गए 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स जो उस दिन प्रेजेंट थे असेंबली में, उनका और राष्ट्रपति का, तो ये हमारे देश का संविधान लागू हो गया, ठीक है। इसके अलावा 26 जनवरी का भी बहुत सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं, पर उसका सिग्निफिकेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा जो है 26 जनवरी को इनैक्ट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, बेसिकली उस दिन से लागू होना चालू हुआ था। कुछ पार्ट तो 26 नवंबर को लागू हो गया था, कुछ पार्ट जो है मेजॉरिटी पार्ट 26 जनवरी से लागू होना चालू हुआ था। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए किया गया, और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तारीख को डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट की तरह लिखा भी गया। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था 1930 में, 1929 दिसंबर में चालू हुआ था और जनवरी 1930 में कंप्लीट हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था इस सेशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, जो कि ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस दर्शाता है इस दिन का।
उस दिन को इम्पोर्टेंट बनाए रखने के लिए इस तारीख को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन लागू होता है, इसीलिए उसको कमेंसमेंट डे भी बोला जाता है। उस दिन और क्या खास बात होती है, उस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो 26 जनवरी 1950 से रिपील हो गया। उसके बाद कोई भी इनैक्टमेंट अमेंडिंग, कोई भी इनैक्टमेंट ऐसा है जो बाद के लॉ को इनैक्टमेंट या अमेंड या सप्लीमेंट करता है वो सब रिपील कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जितने भी क्यूरियस बच्चे उनके लिए मैंने वीडियो बनाया जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानना चाहिए। ये कौन है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है जिनका नाम मैंने बोल दिया है। ये कैलीग्राफर हैं, इन्होंने भारत का ओरिजिनल संविधान को कैलीग्राफ किया था, लिखा था फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था तो इनके द्वारा लिखा गया था फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, फिर दूसरा इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये तो इंग्लिश वर्जन था जिन्होंने लिखा था, जो हिंदी वर्जन था उसको कैलीग्राफ किया था वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक है, उन्होंने एलिगेंटली डेकोरेट किया था और इसको एलिगेंटली डेकोरेट किया था नंदलाल बोस जी ने, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यही है प्रेम्बल, जहाँ पे जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे प्रेम्बल के बारे में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक, हम भारत के लोग जो हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को देते हैं, प्रेम्बल में लिखा था। फिर इसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया जैसा हमने पढ़ा नंदलाल बोस जी ने और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने। ये नंदलाल बोस जी है, मैं सोचा इनका तस्वीर भी आप लोगों को दिखा दूँ, शायद आपको ना पता चेहरा, हम लोग बाकी सब पॉलिटिशियन का चेहरा याद रखते हैं, पर जिन्होंने काम किया, हार्डवर्क किया, उनका चेहरा भी जानना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, फ्रंट पेज यहाँ पे देखेंगे, छोटा सा जो मैं पार्ट गोला कर रहा हूँ उसको जूम करके यहीं इमेज में दिखाया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने राम लिखा है, ये जो राम सिग्निफाई कर रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बेहर राम नारायण सिन्हा जी जो जिन्होंने कैलीग्राफ किया था, प्रीएम्बल को डेकोरेट किया था, बेसिकली साइड का जितना भी साइड का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, ये सब उन्होंने फोकस करके डेकोरेट किया था, तो उन्होंने अपना सिग्नेचर भी दिया। ये फंडामेंटल राइट्स के पेज वाला पार्ट है जहाँ पे भी देखिए साइड में डेकोरेशन है, मेन में डेकोरेशन है, साइड में डेकोरेशन है, ये जो डेकोरेशन है ये सब नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा जी ने किया था। फिर अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो जो मैंने बताया कैलीग्राफ किया था और ये एलिमिनेट किया था इन्होंने, ये है बेहर राम मनोहर सिन्हा जी, इनका भी चेहरा आपके जानकारी के लिए। तो ये था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा, ये इसका फाइनल कवर पेज है। दिस वॉज अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई होप आपको जानकर मजा आया हो, ये फैक्ट्स, ये इंटरेस्टिंग जानकारी ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन डे। आई होप ऐसे ही आप कुछ लर्न करते रहे अपने देश के बारे में हमारे इनिशिएटिव से जुड़ के। बेस्ट विशेष।